हम लोग इतने टूल्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं हम इतने सारे कंटेंट्स बना रहे हैं हम इतने मोबाइल पे एप्स डाल रहे हैं इतनी जगह हम लॉग इन कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ये देखना है कि हम कैसे इस साइबर वर्ल्ड में सेफ और सिक्योर रह सकते हैं क्योंकि नॉर्मल वर्ल्ड में रहते हुए में कई साल हो गए हैं तो हमें पता है कि बाहर निकलते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है कैसे बच्चों को भी सावधान करना है पर साइबर वर्ल्ड जहाँ फेसबुक इंस्टा और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है और भी बच्चे बहुत सारे गेम्स खेलते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं तो उस टाइम पे उनको कैसे केयरफुल रहना है इन सारे एरियाज़ पे जानकारी आप इस सेशन में हम लोग लेंगे और इस सेशन के लिए हमारे साथ है साइबर सेफ्टी एंड वेलनेस कोच मिस निशा दुआ मैम फ्रॉम साइबर पीस फाउंडेशन आई वेलकम यू मैम फॉर दिस सेशन थैंक यू सो मच मैम थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर And I understand that this is last session. Hai. So, uh, you know, people are busy doing their administrative uh, uh, works, also attendance and other things. सो so, uh, मैं ये बोलना चाहूंगी कि लास्ट सेशन इसलिए रखा है क्योंकि आप सब अंडरस्टैंड करें व्हाट आर द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑनलाइन और एंड में हम आपको बताएंगे कि उन अवेलेबल रिसोर्सेस को आप रिस्पॉन्सिबली और सेफली कैसे यूज कर सकते हैं सो इट्स काइंड ऑफ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट यू हैव लर्न एंड बिकॉज सेफ्टी तो पैरामाउंट होती है जैसे हम अपने स्कूल्स में आ, क्या करते हैं हमारी बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स होती हैं गेट्स होते हैं होते हैं ना हमारे स्कूल्स में है, उस तरह से जब हम ऑनलाइन वर्ल्ड में होते हैं हमें वही टाइप की सेफ्टी बर, सेफ्टी बरतनी है क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपने फिजिकल स्कूल में होती है सिबिलिटी जब हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या बच्चों को लिंक्स देते हैं कि आप ऑनलाइन जाओ हम, हम वो भी हमारी होती है क्योंकि तो अल्टीमेटली हम बच्चों की खाली एकेडमिक तो नहीं देखते ना कि उनका एकेडमिक ग्रोथ कितना हो रहा है उसके साथ साथ उसका बच्चे का वेलबींग well बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो एज एडुकेटर्स तो हम उसके ओवरऑल वेलबींग uh, well की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना तो अः uh, ये ऑनलाइन एप्स बहुत अच्छे हैं पर उनको सेफली कैसे यूज करना है ये मेरे सेशन का क्रक्स होगा सो प्लीज ध्यान से सुनिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंड मोनिका मेरा स्क्रीन विजिबल है मैम uh, अभी विजिबल है आप एक बार स्लाइड शो मोड में जाएंगे ah, तो मैं, मैं स्लाइड शो में कर रही हूँ अभी जी और ओके फाइन नाउ यस मैम परफेक्टली फाइन ओवर टू यू मैम and then all the uh, i i i just saw that most of the participants aap log north india मैं भी दिल्ली में ही बैठी हूँ तो अपना सेशन मैं आ, हिंदी में ही कंडक्ट करूंगी लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट हैं वो तो इंग्लिश में मुझे बोलने ही पड़ेंगे और आप सब तो बहुत ज्ञानी हैं मैं सिर्फ आपको आज थोड़ा सा एक पुश दे रही हूँ आपको नई चीजें नहीं सिखा रही हूँ अच्छा तो ये सेशन क्योंकि अभी डॉक्टर मोनिका ने बोला कि आ, हमारा टाइम कम है नॉर्मली मेरा डेढ़ घंटे का होता है तो मेरे को कंप्रेस करना है इसलिए मैं आपको थोड़ा ही बता पाऊंगी और बाकी के लिए आपको मैं सतर्क कर रही हूँ कि आप केयरफुल कैसे रहें और कैसे अपने आप को संभालें और एन बहुत सेशंस कंडक्ट करते हैं साइबर सेफ्टी के हर फ्राइडे साइबर जागरूकता सेशन होता है शाम को चार बजे उसके अलावा भी बहुत रिसोर्सेज हैं एनसीआईटी सी की वेबसाइट पे तो मेरे सेशन के बाद आप दो चीज़ें जरूर करेंगे आप सी आई टी एन के रिसोर्सेज चेक करेंगे जो बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं एडुकेटर्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स uh, के लिए और ये एप्लीकेशन वगैरह कैसे डाउनलोड करने हैं और दूसरी बात कि जब भी आप अपने स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवा सके जो शाम को जो फ्राइडे शाम को मोस्टली साइबर जागरूकता के सेशन होते हैं उसमें भी अपने स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए और वो तो वो सब पी विद्या चैनल पर होते हैं तो so, आज का टॉपिक है साइबर सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स इन एजुकेशन सेक्टर मैं आप लोगों की बहुत पर्सनल सेफ्टी की बहुत ज्यादा बात नहीं करूँगी आप लोग सब एजुकेटर्स हैं तो मेरी जो बात होगी वो इस उससे होगी कि आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे सेफ कर सकते हैं कुछ कुछ आपकी सेफ्टी की भी बातें होंगी पर आप एज एजुकेटर्स हमें बच्चों का देखना है तो अभी आप मेरे को सबसे पहले ये चैट पे बताइए कि आ, फोन तो सबके पास होता है और घंटों घंटों लोग फोन पे बैठे रहते हैं फोन नहीं होता तो टैबलेट होता है टैबलेट नहीं होता तो कोई गेमिंग डिवाइस डिवाइस होती होती है गेमिंग नहीं होती है तो कोई लैपटॉप होता है ऑन एन एवरेज आजकल अर्बन एरियाज में एक बच्चे के बा एक बच्चे के पास कम से कम दो डिवाइसेज होती है चाहे वो शेयर डिवाइसेज हो चाहे वो डिवाइसेज अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें बट दो या तीन डिवाइसिस इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेज होती है तो आप मेरे को बताइए कि जो यंग लोग हैं बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 30 हाउ मेनी टाइम्स डू यू थिंक दे चेक देयर फोन्स इन अ डे ये आप अपना चैट पे अपना आंसर लिख लिख लीजिए प्लीज मैम मोस्टली आंसर्स वी आर गेटिंग इज फॉर 150 और 150 प्लस ओनली अ फ्यू हैव मेंशनड अबाउट 126 और 100 Yes, because आप लोग सब समझते हैं कि आ, फोन कितना हम लोग यूज करते हैं इनफैक्ट हम लोग शादी में भी जाते हैं लोग एक दूसरे से बात करने के बजाय फोन यूज करते हैं और कई बार तो ये जो सेशन हम कंडक्ट करते हैं उसमें आ, अगर अगर कोई लैपटॉप से कनेक्टेड है तो हमें क्या पता चलता है पीछे बहुत लोग फोन पर भी साथ साथ में अपने मैसेजेस चेक कर रहे होंगे तो मतलब इतना एडिक्शन okay. और जब ये इंसान कर दो पैरली दो चीज करता है तो इसको इसको तो थोड़ा ओवर यूज और एडिक्शन ही कह, कहते हैं और आप लोग में से कोई अगर अपने मैसेजेस चेक कर रहा है इसका तो प्लीज मत कीजिए Uh, मेरी बात सुनिए <laughs> और uh, uh, going on, yes, uh, uh, 150 फोन क्योंकि क्या होता है जब फोन uh, पिंक करता है बचता है तब तो हम उठाते हैं लेकिन अगर फोन नहीं भी बजा अरे मेरे फोन से तो पंद्रह मिनट हो गए कोई आवाज नहीं आई अरे देखू इंटरनेट तो कनेक्टेड है देखू कहीं कुछ मैंने मिस तो नहीं कर लिया ये होता है पोमो पोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट ये यंग लोगों में बहुत होता है पर अब तो हम जैसे लोगों में भी ये काफी ये बात है कि कहीं किसने इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं भेजा तो एक ये होता है दिमाग में इसलिए इंसान बार बार फोन चेक करता है गोइंग ऑन टू द गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड ये एक रिसर्च हुई है इन जनवरी 2022 ये एक वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुई है जिसमें ये सर्वे करा गया था कि कितने घंटे एक वन पर्सन इज ऑन द द ऑन डिवाइस इट कैन बी फोन इट कैन बी एनी इट्स ऑन द इंटरनेट कि इंटरनेट पे एक व्यक्ति कितने घंटे ऑन एन एवरेज स्पेंड करता है तो हमारा इंडिया इधर है ये मार्क्ड है तो हमारे जो सर्वे इंडिया में हुआ वो बताता है कि इंडिया में सेवन आवर्स नाइनटीन मिनट्स ऑन एन एवरेज वन पर्सन इन दर्बन एरिया कनेक्टेड डिवाइस जैसे मैंने कनेक्टेड डिवाइस बोला फोन हो सकता है टैबलेट हो सकता है आई पैड हो सकता है लैपटॉप डेस्कटॉप गेमिंग कंसोल हो सकता है किंडल हो सकती है जिससे हम पढ़ते हैं तो आप ये देखिए कि हम देखो हर कोई एक नॉर्मल इंसान छ से आठ घंटे तो सोते ही है अब छे से आठ घंटे सोए दो घंटे लगे अपने बाकी uh, कामों में ऑफिस पहुंचने में तो आप बताइए कि उसके बाद भी जब सात घंटे कनेक्टेड डिवाइस पे होते हैं तो हमारी दुनिया तो ऑनलाइन ही सीमित रह गई है ना इतना टाइम हम स्पेंड करते हैं अब क्या होता है कि इतना टाइम तो हम ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, पर हमें ये सोचना है एज एजुकेटर्स कि हमने क्या अपने बच्चों को इस ऑनलाइन दुनिया के लिए तैयार करा है ये बात हमने कोई सेशंस करे हैं कोई टॉक कर रही है कोई जैसे हम मॉरल साइंस के लेसन करते हैं वैल्यूज के लेसन करते हैं बच्चों के साथ हम अपने बच, अपने बच्चों या अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि रात को देर से मत जाओ स्ट्रेंजर्स के साथ मत जुड़, मत जुड़ो पार्क में अकेला मत खेलो हम गर्ल्स को अ, अंधेरे में अकेले में कहीं जाने नहीं देते हैं हम इतना ध्यान करते हैं अपने बच्चों का जैसे मैंने बताया स्कूल में हमारी हमारी बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल होती है गार्ड्स होते हैं कोई अंदर आ नहीं सकता हम लोग इतना केयरफुल रहते हैं और अब हम आप लोग सब अपने दिमाग में सोचिए कि हमने क्या अपने बच्चों को इस इंटरनेट की दुनिया के लिए तैयार करा करा है या नहीं अपने दिमाग में सोचिए कितने लोग लो कहते हैं कि यस या नो लिखिए चैट बॉक्स में कि कितने लोग सोचते हैं कि हमने अपने बच्चों को इंटरनेट की दुनिया के लिए तैयार करा है और कई लोग सोचते हैं हमने नहीं तैयार करा है देखिए हमारे जो बच्चे हैं वो टेक्स एवी जरूर है वो कोई भी टेक्नोलॉजी आसानी से हैंडल कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सोचते रहते हैं वो क्यों है टेक्स एवी क्योंकि वो डिजिटल नेटिव्स हैं वो पैदा ही टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हुए हैं और हम लोग जब थे हम लोग इमिग्रेंट्स हैं हम लोग आए इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में बाद में आए हैं क्योंकि हमारे टाइम स्कूल्स में तो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट नहीं था ना तो अभी अब हमें ये सोचना है कि क्या हमारे बच्चों का दिमाग मेच्योर्ड है

वेरी वेरी करेक्ट और मोस्ट ऑफ यू आर बींग वेरी ऑनेस्ट हमने सच में अपने बच्चों को तैयार नहीं करा है अब आप एक मेरे को छोटी सी बात बताइए कि हम जब तो बच्चे को साइकिल uh, पहली बार देते हैं क्या हम बच्चे को अपने छोड़ देते हैं कि साइकिलिंग करो एज पेरेंट्स भी हमने नहीं तैयार करा एज टीचर्स भी हमने नहीं तैयार करा और मैं आपके आई एम इंक्लूडेड आई एम अ टीचर विद ट्वेंटी आई एम इंक्लूडेड इन दैट कि हमने भी अपने बच्चों को नहीं तैयार करता जब मैं स्कूल्स में पढ़ाती थी तो हम जब अपने बच्चों को साइकिल देते हैं हम उसके पीछे पीछे भागते हैं हाफते हैं और तब तक भागेंगे तब तक उसको पकड़ेंगे जब तक उसको आ, उसको बैलेंस करना नहीं आया और फिर जब बच्चे को हम अपनी साइकिल पे या किसी पे रोड पे भेजते हैं तो हम उसको ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में बताते हैं कि भाई रोड कैसे सेफली से क्रॉस करनी है साइकिलिंग कर रहे हो या जिब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी है हम छोटी छोटी, छोटी चीजें अपने बच्चों को समझाते हैं पर क्योंकि इस इंटरनेट की दुनिया में हम भी नहीं नए हैं ये हमारी गलती नहीं है ये नहीं है कि भाई हम एज एडुकेटर्स और एज पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ नहीं बताना चाहते पर क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए भी नहीं है बिल्कुल न्यू है लाइक आई सेड दैट वी आर डिजिटल इमिग्रेंट्स तो इसलिए हम अपने बच्चों को तैयार नहीं करते हैं और अभी मैं आपसे ये आप तो स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं तो अपने इस टाइप के जो अपने दोबारा से ये ये बात दोबारा से बोलूंगी जो सी आई टी एनसीआर पी एम ई विद्या चैनल्स पे इतने प्रोग्राम करता है तो प्लीज अपने बच्चों को उन प्रोग्राम्स में जरूर जोड़िए क्योंकि वो बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं बच्चों को कि कैसे ऑनलाइन में सेफ रहना है सो so, अभी क्या है कि कोविड के टाइम पे हम लोग की लर्निंग ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी हो गई ना ये तो आपने आपने पिछले इतने दिन में इतने सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है क्यों शिफ्ट हो गई थी क्योंकि हम एज एडुकेटर्स या आप एज एडुकेटर्स हम नहीं चाहते थे कि कोविड जैसे पैंडमिक की वजह से हमारे बच्चों का साल बर्बाद हो नहीं चाहते थे इसलिए कैसे तैसे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी सीखी और हम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया ऑनलाइन है? तो तो ऑनलाइन लर्निंग बहुत फायदेमंद है, बहुत यूजफुल है क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग एडेप्टेबल है जैसे बच्चे अपने घर से पढ़ रहे थे बच्चों को स्कूल नहीं आना पड़ रहा था सोशल डिस्टेंस मेंटेन था आप भी घर से पढ़ा रहे थे ऑनलाइन लर्निंग अफोर्डेबल है या uh, yeah, जिसके पास एक जो जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं उनके लिए शायद अफोर्डेबल ना हो उनके लिए एक सर्वे भी कंडक्ट हुआ है कि उस जो बच्चे मार्जिनलाइज सोसाइटी से आते हैं उन्होंने सफर करा है बिकॉज उनके पास ना डिवाइसेस थी ना इंटरनेट कनेक्शन था लेकिन जिसके घर में एक फोन है और एक इंटरनेट है तो उनके लिए ये ऑनलाइन लर्निंग में आप एक्स्ट्रा कुछ स्पेंड नहीं कर रहे हैं फ्लेक्सीबिलिटी है कि आप एक लेक्चर दें कहीं भी बैठ के पढ़ाएं और आपने कोई लर्निंग रिसोर्सेज दिए बच्चा उसको बार बार देख देख सकता है अपनी पेस पे देख सकता है तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है और मल्टीट्यूड ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज तो आप इतने दिन से पिछले चार दिन से समझ ही रहे हैं कि ऑनलाइन में कितने फायदे हैं और कितने रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन और आपने कॉपीराइट राइट फेयर यूज प्लेजरिज्म के बारे में भी आप, आपको बताया गया होगा तो एडवांटेजेस तो बहुत है ऑनलाइन लर्निंग में क्योंकि और इस ऑनलाइन लर्निंग की वजह से ही हम कोविड के टाइम बच्चों को पढ़ा पाए लेकिन लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में बहुत सारे चैलेंजेस हैं बहुत सारे डेंजर्स भी हैं बहुत सारे रिस्क भी हैं अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है क्योंकि रिस्क है तो हम ऑनलाइन लर्निंग छोड़ दें क्योंकि रिस्क है तो हम बच्चों को जो ऑनलाइन में इतने सारे बढ़िया रिसोर्सेस हैं जो हमारी लाइब्रेरी में भी नहीं हो सकते हम 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 वो बच्चों को ना दें कहते हैं ना कि या तो हम लॉक एंड ब्लॉक कर दें लॉक और ब्लॉक कर दें उनके ऑनलाइन के लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज और या फिर हम अपने आप को सतर्क करें और अपने आप को सतर्क करने के साथ साथ हम अपने बच्चों को भी सतर्क करें उनको बोले कि आप ऑनलाइन लर्निंग जरूर करो लेकिन ध्यान से अगर हम लॉक एंड ब्लॉक करते हैं क्योंकि तो आगे तो इंटरनेट का जमाना है हमारे बच्चे तो कल की दुनिया के लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं ना और आज की दुनिया में इंटरनेट है तो कल की दुनिया में तो हर कुछ टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है वर्चुअल रियलिटी आ रही है इमर्सिव प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ रही है आजकल तो बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं तो हम उनको वंचित ना करें उस अपॉर्चुनिटी से जो उनके फ्यूचर के लिए जरूरी है है तो चैलेंजेस हैं डेटा डेटा सबसे बड़ा चैलेंज कि ऑनलाइन जो स्टूडेंट का होता है डेटा क्या है स्टूडेंट का वो मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगी स्टूडेंट डेटा बहुत प्रेशियस होता है उनके पिक्चर्स उनका काफी डेटा होता है और हम कभी सोचते हैं कि डेटा ही तो है बच्चे का नाम और डेमोग्राफिक तो है इससे क्या फर्क पड़ गया आ, आ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस दुनिया में डेटा है इससे पहले ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट होता था उससे पहले ये ऑयल से पहले आ, कैश और गोल्ड इम्पोर्टेंट होता था लेकिन आज ये जो कंपनीज हैं हमारी फेसबुक होगी ट्विटर होगी इंस्टाग्राम होगी ये क्यों इतने जल्दी बड़े हुए हैं ये हमारे डेटा के बल पर बड़े हुए हैं इनके पास डेटा है डेटा इज द न्यू करेंसी क्योंकि डेटा क्या होता है कि पर्सनल डिटेल्स आप किसी के किसी से शेयर कर ले वो वो डिटेल्स हैक हो सकती हैं वो डिटेल्स एडवर्टाइजर्स को मिल सकती हैं तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज यही तो कर रही हैं हमारी डिटेल्स लेके वो एडवर्टाइजिंग uh, कंपनीज को दे रही हैं एंड दे आर बेकिंग सो मो चौहमानी ओके सो डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी की हाउसिंग सोसाइटी में आ, काफी सारी ऐसी कंपनीज आती है कि हम आपको इतने इतने सुविधा देंगे आप हम हम, हम आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो काफी लोगों के पास ये आया होगा कि ऐप डाउनलोड कर लो आपको बहुत सुविधा होगी आपको सोसाइटी की सारी सर्विसेज मिलेंगी है और ये फ्री है सबसे सबसे पहली बात ये फ्री है अरे फ्री नहीं है वो तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका डेटा लेके जा रहे हैं क्योंकि उससे पहले आपको तो चार पेज का फॉर्म भरना है जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे और वो आपको एक साल दो साल फ्री दे के आपका तो डेटा हेलो यूपी रीना मिस रीना गुप्ता प्लीज म्यूट ओके इज मॉलवेयर मॉलवेर तो सॉफ्टवेयर होता है इसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगी थर्ड इज रैनसमेयर आपने अभी रिसेंटली एक केस सुना होगा ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस दिल्ली में सब पेशेंट के रिकॉर्ड हैक हो गए हैं उनका सिस्टम बहुत दिन काम नहीं करा और इससे बड़ा हॉस्पिटल एशिया में एम्स से बड़ा हॉस्पिटल तो कोई हो ही नहीं सकता जहाँ पे लाखों लाखों लोगों की डिटेल्स है फिर थर्ड इज ऑनलाइन प्रीडेटर्स ऑनलाइन प्रिडेटर्स क्या होते हैं प्रीडेटर तो वो होते हैं ना जैसे शेर चीता ये इनको हम प्रीडेटर कहते हैं जंगल में कहते हैं और इन प्रिडेटर का काम क्या है अपना शिकार ढूंढना उसे खाना तो ऑनलाइन भी इस टाइप के प्रीडेटर होते हैं हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि पार्क में रात को मत मत जाओ अच्छे लोग नहीं होते वो प्रीडेटर टाइप के लोग होते हैं वो ढूंढते हैं अपना शिकार तो ऑनलाइन की दुनिया तो प्रिडेटर से भरी हुई है फिर उसके बाद बुलिंग ट्रोलिंग बहुत होती है ऑनलाइन उससे बच्चे बहुत अफेक्टेड होते हैं ब्लैक मेलिंग होती है जहां पर बच्चे स्ट्रेंजर्स से बात करते हैं हम अपने बच्चों को बताते हैं कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी किसी से टॉफी नहीं लेनी हाँ, कोई आपको कुछ भी बोले उसको एंटरटेन नहीं करना और उससे दूर रहना लेकिन हम अपने बच्चों को क्या ये बताते हैं कि ऑनलाइन में भी इस टाइप के स्ट्रेंजर्स हैं और वो स्ट्रेंजर्स क्या पहनते हैं वो मुखौटा पहनते हैं वो अपने किसी की भी फोटो लगा देंगे किसी जैसे कोई अगर साठ सत्तर साल का कोई इंसान कोई इंसान है जिसके गलत मंशा है और उसने फोटो लगाई हुई है पंद्रह साल के बच्चे की उसने नाम भी वो करा है वो पंद्रह साल का बच्चा बन के बच्चों के साथ हमारे बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाता है और धीरे धीरे फोटो एक्सचेंज हो जाती हैं और उसमें हर तरह की फिर धीरे धीरे वो फोटो का ये भी होता है कि तुम इस टाइप की फोटो भेजो मैं इस टाइप की फोटो भेजूंगा और वो तो किसी और की फोटो भेज रहा है पर यहाँ पर हमारे बच्चे अपनी फोटो भेज देते हैं और उससे फिर ब्लैकमेलिंग हो जाती है और एक और है ग्रूमिंग ये जो जो ऑनलाइन ऑनलाइन हैं स्ट्रेंजर डेंजर में बहुत ज्यादा है ये लोग बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं गलत तरीके से बात करते हैं गलत वर्ड यूज करते हैं कुछ बच्चे तो सहम जाते हैं और उसके बाद वो इनसे कनेक्ट नहीं होते पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो उनको उनसे इतने प्यार से बात करते हैं कि उनके झांसे में आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे एडर्ट्स को नहीं बताते इस डर के मारे कि भाई आ, आ, शायद हमारी गलती है नंबर वन और नंबर टू अगर हम हम बोलेंगे तो हमारा तो फोन इंटरनेट हमसे लिया जाएगा तो ये तो मैंने थोड़े से इश्यूज बताए हैं जो ऑनलाइन में बच्चों के लिए होते हैं और इन इश्यूज को कैसे टैकल करा जाए वो भी मैं बताऊंगी तो मैं स्टूडेंट डेटा की बात कर रही थी कि स्टूडेंट सेफ्टी इज पैरामाउंट वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टूडेंट डेटा तो मैं ऐसे बेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है मतलब बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है इस पे कि कोई उसका डेटा गलत तरीके से यूज ना कर जाए तो स्टूडेंट डेटा क्या है स्टूडेंट डेटा है पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट स्टूडेंट की अपनी इंफॉर्मेशन नाम क्या है फोटो क्या है और एज क्या है और बा बाकी सब डिटेल्स उसका हेल्थ डेटा काफी स्कूल स्टूडेंट का हेल्थ रिकॉर्ड्स भी रखते हैं हेल्थ डेटा इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक डिटेल्स बच्चे के कहाँ से है फैमिली के बारे में फैमिली इनकम घर में कौन कौन है ये सब डेटा एकेडमिक इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसलिए अगर किसी के हाथ लग जाए तो बहुत ही खराब होता है क्योंकि लेट से कोई बच्चा स्पेशल नीड बच्चा है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहा लेकिन आगे जाके वो बच्चा अच्छा करता है तो उसके अगर ये डेटा सबके पास विजिबल हो जाता है तो उसकी आगे की लाइफ में भी इम्पैक्ट हो सकता है टेस्टिंग परफॉर्मेंस डेटा स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है बिहेवियर डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और फोटोग्राफ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जैसे पर्सनल आइडेंटिफायबल इंफॉर्मेशन और डेमोग्राफिक डिटेल सो ये अगर किसी गलत इंसान के हैकर के हाथ लग गई तो ये या तो ब्लैकमेल हो सकता है वो बच्चा और या फिर उसकी डिटेल्स जो है वो एडवर्टाइजर्स को सेल करके ब्लैक मार्केट में बिक सकती हैं आपको मालूम है कि जैसे अंडरवर्ल्ड होता है वैसे डीप डार्क वेब भी होता है वहां पर बोली लगती है और सबसे ज्यादा बोली लगती है बच्चों के डेटा पे और वो बिटकॉइंस में पे करे जाते हैं तो इसलिए स्टूडेंट का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर स्टूडेंट्स की फोटोग्राफ किसी के हाथ लग गई और उस फोटोग्राफ को मॉफ कर दिया मॉफ का मतलब है वो की चेहरे के ऊपर चेहरा तो वो बच्चे का है कि लेकिन धड़ पे कोई अश्लील एक्शन परफॉर्म करते हुए उसको वो थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दैट वो करना बड़ा आसान है आजकल तो अगर ऐसा कोई फोटोज लीक हो गई तो बच्चे की तो पूरी जिंदगी गई ना तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल सो एज एडुकेटर्स व्हाट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं देखिए अभी तो हम ऑनलाइन बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन आ, काफी स्कूल्स मैंने देखा है कि जैसे आ, डेली में पीछे पोल्यूशन बहुत था ओके okay, अब आगे ठंड बहुत आ रही है तो स्कूल्स यू नो आ, होम लर्निंग कर देते हैं क्योंकि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो हैं वहां पर बच्चे आ, सीख लेंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को इतनी ठंड में या इतने पोल्यूशन में नहीं आना पड़ रहा लेकिन हमें चाहिए कि जैसे मैंने बोला कि हम लोग बच्चे की सिक्योरिटी का ध्यान करते हैं ना अपने स्कूल की बाउंड्री वॉल बना के उसी तरीके से हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बड़े सिक्योर होने चाहिए हमारे लॉग इन क्रीडेंशियल मतलब पासवर्ड और यूजर नेम हर एक को नहीं देना चाहिए हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए अपना पासवर्ड और यूजर नेम हर एक को मत दे सिक्योर क्लाउड एंड डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म का मतलब है जैसे अभी आपको बताया गया है कि आप कैसे एक दूसरे के साथ डेटा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू तो हमें देखना है कि जिसके थ्रू हम शेयर कर रहे हैं तो वो सेफ होने चाहिए लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर से एक बैंक में पैसा आ रहा है तो आपने देखा होगा ना कि वो जो जिस वैन में वो पैसा आता है उसमें सारे ग्रिल होते हैं और गार्ड्स विद गन्स होते हैं तो सिमिलरली हमारा डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह हम शेयर करते हैं ऑनलाइन हमें ये देखना है कि वो डेटा सेफली शेयर हो फिर से मैं बोलूंगी फाइल्स हमें पासवर्ड प्रोटेक्ट करनी चाहिए क्योंकि लेट्स कि एक टीचर ने एक सब्जेक्ट टीचर ने क्लास टीचर के साथ मार्क्स शेयर करने हैं अब वो ये तो ये तो नहीं बोलेगी कि कि किसी स्टूडेंट को या किसी आ, आ, किसी और को जाओ तो मार्क्स दे आओ वो तो एक वो वो तो खुद जाके उसको टीचर को मार्क्सिट पकड़ाएगी ना क्योंकि हम वो डेटा लीक नहीं होना चाहिए सिमिलरली ऑनलाइन आप अपनी फाइल्स को सिक्योर कर सकते हैं बाय प्रोटेक्टिंग द पासवर्ड और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है टू फैक्टर का मतलब है कि आपने घर का दरवाजा तो लकड़ी का बंद करा लेकिन आपने ग्रिल डोर भी डाला और आपने एक दो दो लॉक डाले तो ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है इसका सिंपल मैं बताऊं कि आपने लेट से एक अपनी बैंकिंग साइट या कोई भी साइट पे अपना पासवर्ड दिया आपके पास ओटीपी आता है ना हर एक ट्रांजेक्शन के लिए सो ओटीपी इज द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और कहीं कहीं किसी और जैसे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में उसके अलावा बायोमेट्रिक आपका फिंगरप्रिंट भी होता है उसको कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो ये अनदर लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो जाता है एंड दिस वन इज लिमिटेड लिमिटिंग एक्सेस एंड कंट्रोल मैनेज यूजर प्रिवलेजेस अभी जैसे मैं बता रही थी स्कूल का जो डेटा है प्रिंसिपल के प्रिंसिपल के पास एकेडमिक और पर्सनल सारा डेटा का एक्सेस प्रिंसिपल को है एक हेरार्क लेवल है फिर जो हमारा ऑफिस स्टाफ होता है उसके पास एक डेटा नहीं जाता उसके बाद खाली स्टूडेंट का पर्सनल डेटा जाता है और वो अलमारियों में लॉक्ट रहता है तो हरेक को सारा डेटा आप ऑनलाइन देना जरूरी नहीं है पासवर्ड प्रोटेक्शन से आप उसकी हेरार्की बना सकते हैं और ये प्रिवलेजेस दे सकते हैं और end -end encryption तो यही हो गया फिर से मैं बोलूंगी कि भाई सिक्योरिटी ऑन द वे जैसे uh, WhatsApp है, WhatsApp it, WhatsApp is end -end encrypted. इसका मतलब है कि हम जो भी मैसेजेस एक्स uh, जो वाई को भेजेगा so, let's say X ने एक message भेजा या फोटो भेजी वो जब वो ट्रांजिट में होगा टू रीच वाई तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू वन सेंस एक्सेप्ट फॉर द प्लेटफॉर्म तो बीच में अगर हैकर भी आ जाते हैं वो उसका दे दे कैन हैक बट विल नॉट अंडरस्टैंड कि क्या जा रहा है और जैसे ये यूजर के एंड पे रीच करता है पहुंचता है तो वो वापस उसको इन मीनिंगफुल इंग्लिश हिंदी या जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं या जो भी फोटो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है सो so ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज हैं और अपनी प्राइवेसी और बच्चों की प्राइवेसी का ध्यान रखिए प्राइवेसी एंड पर्सनल सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट जैसे हम रेगुलर अपनी जिंदगी में अपनी प्राइवेसी और पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखते हैं वैसे ही ऑनलाइन भी उस उस तरीके से रखिए हम हाँ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी डिटेल्स हर एक के साथ नहीं शेयर करते हैं हम हाँ अपनी नई फोटो लेते हैं तो कोई किसी कम्युनिटी सेंटर में हम नहीं बाजार में हम नहीं चिपका देते हैं नहीं करते हैं ना सिमिलरली फिर हम ऑनलाइन क्यों ऐसा करते हैं और हमारे बच्चे क्यों करते हैं क्योंकि हमने अपने बच्चों को उनकी रोजमर्रा लाइफ के लिए तो बहुत लेक्चर दिए हैं उनको समझाया है उनको लेसन दिए हैं पर ऑनलाइन के लिए हम सोचते हैं हमारे बच्चे तो टेक्स हैवी हैं और जो अपने आप को सेव कर लेंगे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चे टेक सैवी जरूर हैं हमसे ज्यादा हैं लेकिन आर योर उनके पास वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है उनके पास राइट और रॉन्ग समझने का एक्सपीरियंस है उनके पास उस लेवल की क्रिटिकल थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग है अभी उनका दिमाग इतना मेच्योर नहीं हुआ है तो जैसे हम उनकी रोजमर्रा जिंदगी में उनको गाइड करते हैं हमें ऑनलाइन भी उनको गाइड करना चाहिए तो मैंने इसको फिर से ये है पर्सनल एंड प्राइवेसी एंड पर्सनल सेफ्टी डेटा एंड आइडेंटिटी थे मैंने बता दिया डेटा बताया आइडेंटिटी बताती हूँ कि कोई अगर आपकी आ, आपकी आइडेंटिटी एज्यूम कर ले लेट्स से किसी ने आपका व्हाट्सएप या फेसबुक हैक कर लिया और उसने एक्स आपका नाम है एबीसी तो उसने ए की आइडेंटिटी यूज करी और ए की आइडेंटिटी यूज करके सबको मैसेज भेज दिया की मैं तो फलानी जगह में हूँ मुझे अर्जेंटली पैसे चाहिए तो जब आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो आपका जो आपका जो फ्रेंड है महेंद्र है अगर उसका नाम तो आप देखेंगे महेंद्र तो उधर फोटो भी महेंद्र की है सब कुछ वो तो व्हाट्सएप का अकाउंट भी महेंद्र का है वो मेरे से दस हजार रुपए मांग रहा है और क्योंकि उसको उसकी कहीं एक्सीडेंट हो गया कोई इश्यू हो गया तो और उसने अपना अकाउंट भी डिटेल्स भी डाल दी है तो आप तो ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि आपका वो दोस्त है And आप सोचते हैं कि मेरी है, लेकिन वो महेंद्र को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है ऑनलाइन तो पेडेटर्स अप, की बात कर ली है साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग की मैंने थोड़ी सी बात करी थी बुलिंग और ट्रोलिंग बच्चों के लिए बहुत हार्मुल होती है बड़ों के लिए तो होती है बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा होती है कि उनको कोई गलत गलत नाम दे रहा है ये पीछे कुछ आ, न्यूज में आया था कि एक साढ़े फोटोज अपलोड करी वो फोटोज मॉफ हो गई और वो सारे उसके फ्रेंड्स में चली गई और उसको कमेंट्स आने लगे साढ़े छह साल का बच्चा एक चौदह साल की लड़की अमेंडा टॉड है उसने भी अपने आप को मतलब हर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस तो ऐसे हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो लेकिन जो जिस बच्चे की फोटो ऑनलाइन डोमेन में गलत अप्रोप्रिएट एप्रो, वे में पड़ी है या उसने कोई कमेंट है तो ये सोचो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट मैंने बताया था ग्रूमिंग और सेक्सटिंग के साथ एंड ऑल दिस लीड टू सोशल इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ कंसर्न डेफिनेटली ओवर ऑफ कंप्यूटर्स लीड्स टू हेल्थ कंसर्न बट धमकियां तो ये बच्चे की सोशल बच्चे की साइकी पे बड़ा बुरा असर पड़ता है और मैं आपको बताऊ पेरेंट्स आर ऑलवेज लास्ट वन टू नो बच्चा पेरेंट को डर के बारे नहीं बताता है क्योंकि तो बच्चे के अंदर होता है कि शायद मैंने कुछ गलत करा या फिर ये करूंगा तो मेरे को डांट मार पड़ेगी तो हमें बहुत ध्यान रहना होगा हो कि बच्चे ऑनलाइन किससे कनेक्ट कर रहे हैं कौन सी साइट पे जा रहे हैं और अगर जा भी कुछ गलत भी हुआ है तो हमें उनको हमेशा सपोर्ट करना है एज पेरेंट्स हमें सतर्क रहना है एज एडुकेटर्स हमें सतर्क रहना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत शेयर कीजिए अपनी सेटिंग्स ऑनलाइन uh, में हम जब uh, किसी सोशल मीडिया या गूगल वगैरह में अकाउंट बताते बनाते हैं हम प्रिवेसी सेटिंग्स की ही नहीं करते जो उनकी डिफॉल्ट प्रिवेसी सेटिंग्स होती हैं हम उनको ही ले लेते हैं तो आपके जितने भी अकाउंट हैं या फिर आपके बच्चों के जितने भी अकाउंट हैं उनकी जाके प्रीवीसी सेटिंग्स चेक कीजिए जो स्क्रीन होता है स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर एक सेटिंग्स का बटन होता है उसमें प्रीवीसी सेटिंग होती है तो आप देखेंगे अगर आपने कभी उसको सेट नहीं करा तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक होता है तो जो भी आप पोस्ट करते हैं वो पूरी दुनिया को दिखता है लेकिन आपको जाके वो प्राइवेट करना है आपको अपना फेसबुक का अकाउंट भी प्राइवेट कर सकते हो क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपकी पोस्ट देख सके उसके अलावा कोई ना देख सके सो so ये प्रिवेसी सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है जाके अपनी और अपनी फैमिली की प्रिवेसी सेटिंग्स हर उस पे प्लेटफॉर्म पे चेक कीजिए द अदर इज हेयर आई वोट टू स्पेंड लिटल बिट टाइप टाइम ऑन रजिस्टरिंग फॉर एप्स बहुत सारे लर्निंग एप्स हैं बहुत बढ़िया लर्निंग एप्स भी हैं. और क्यों ना यूज करो? देखिए कोई एप्लीकेशन किसी ने डेवलप करा है और वो अगर हमारे लर्नर्स के लिए हमारे सब्जेक्ट के लिए सुटेबल है तो हमें जरूर यूज करना चाहिए लेकिन सोच समझ के क्योंकि आजकल जहां जाओ एप्स का जमाना है और सेल्फी का जमाना है आप बैंक जाओ तो बैंक वाले कहते हैं अरे हमारा ऐप डाउनलोड कर लो बिल पे करने जाओ तो बोलते हैं हमारा ऐप डाउनलोड कर लो बिना सोचे ऐप कोई भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए So let's say कि आपको एक जियो या कोई आपको कोई भी ज्योमेट्री का ऐप मिल गया लेट से तो आपको किसी ने बोला आपके किसी फ्रेंड ने कि वो तो बहुत ही बढ़िया ऐप है वो आप डाउनलोड करो उससे उससे तो आपका बड़ा इजी हो जाएगा लेकिन आपको ऑनलाइन जब आप ऐप की रजिस्ट्रिंग के लिए जाते हैं चाहे किसी ने भी रेकमेंड करा हो उसमें आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए क्योंकि देखिए अगर हम मार्केट से हम कुछ भी खरीदने जाते हैं हम पहले चेक नहीं करते कि ये महंगा है सस्ता है क्वालिटी क्या है हम कुछ भी खरीदने जाते हैं चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज या कार या साइकिल या कोई चीज या छोटी से छोटी चीज हम अगर लेना चाहें हम एक घड़ी भी लेना चाहे हम देखते हैं कि भाई उस वो किस टाइप की घड़ी है वो कहीं खराब तो नहीं होगी कंपनी अच्छी है नहीं है हम सोचते हैं ना तो यही सारी चीजें आपको जब ऐप आप डाउनलोड करनी है आपको देखनी पड़ेंगी क्योंकि आपका डेटा चुरा लेंगे और जैसे मैंने बोला था डेटा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है और आपके बच्चों के लिए आपके स्टूडेंट्स के लिए है तो आप कैसे कर देखेंगे कि कौन सा ऐप सही है कौन सा नहीं है तो ऐप जब आप कोई भी जैसे प्ले स्टोर से या किससे आप, आप डाउनलोड करेंगे तो ऐप के पास एक तो रेटिंग है उसमें स्टार्स होते हैं पहले देखिए उसकी रेटिंग क्या है दो तीन रेटिंग वाले ऐप मतलब ये ऐप अच्छा नहीं है जहां पर आपकी रेटिंग ऐप आप की अच्छी है चार पांच है मिनिमम चार है तो वही सोचिए रेटिंग के बाद देखिए कि उसमें कितने यूजर्स हैं कई ऐप तो इसलिए बनाए जाते हैं कि कि, कि वो एप आप आपकी वो एक्चुअली आपको सर्विस प्रोवाइड करने की बजाय वो आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं हैक करते हैं और ये देखिए कि उसमें कितने यूजर्स हैं अगर काफी यूजर्स हैं फिर थर्ड चीज देखिए कि वो ऐप बनाने वाला नोन कंपनी है या नहीं है अगर ऐप बनाने वाली कंपनी नोन है तो आप जाइए और फोर्थ चीज आप देखिए कि उसमें यूजर्स के रिव्यू क्या होते हैं ये जरूर देखिए तो लेट्स से मैं एक कार लेने जा रही हूँ मैं बिना सोचे तो गाड़ी नहीं ले लूंगी ना मैं तो बहुत सारी रिसर्च करूंगी ओके जैसे मैं टाटा की गाड़ी भी लेने जा रही हूँ तो मैं देखूंगी कि कितने लोग यूज कर रहे हैं मैं दो चार लोगों से पूछूंगी ऑनलाइन रिव्यू करूंगी तभी तो लूंगी ना तो सिमिलरली जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो बिना सोचे समझे मत कीजिए और उनका बैकग्राउंड चेक जरूर कीजिए अब मैंने पासवर्ड तो मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और दो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज आल्सो मैंने इसके बारे में बता दिया था तो आ, ये जो ब्लैक फिशिंग विशिंग स्मिशिंग ये सब क्या होते हैं मैं सिर्फ दो तीन सेंटेंसेस में बताऊंगी की ये फिशिंग ऐसे होता है कि जैसे आपको किसी ने लिंक भेजा या एस एम स्मिशिंग होता है या किसी ने आपने थ्रू ई भेजा स्मिशिंग में किसी ने आपको एस एस भेजा तो इसमें अगर किसी ने आपको भेजा कि यू नो एडिडास के शुरू शूज फ्री मिल रहे हैं आ, इंडियन एयरलाइंस फ्री टिकट दे रही है ये होटल फ्री स्टे दे रहा है इस इसपे क्लिक करो तो क्यूरियोसिटी तो कहते हैं ना क्यूरियोसिटी किल्स द कैट तो क्यूरियोसिटी होती है हम उसपे क्लिक कर देते हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ आजकल की दुनिया में कौन क्यों फ्री देगा कैडबरीज ड्यूरिंग दु, दिवाली कैडबरीज फ्री गिफ्ट दे रहा है अरे कैडबरीज फ्री गिफ्ट देगा तो कैडबरीज की कंपनी कैसे चलेगी भाई वो तो कमर्शियल कंपनी है तो लोग उसके झांसे में आ जाते हैं लोग उस लिंक को क्लिक कर देते हैं या फिर आता है इफ यू क्लिक ऑन दिस ब्लू लाइन योर यू नो समथिंग मैजिकल विल हैपन मैजिकल होता है क्या मैजिकल होता है आप जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे तो uh, आपका डेटा uh, हैक हो सकता है आपका फोन मिरर हो सकता है और आपका सारा डेटा हैकर ले सकते हैं उस डेटा में आपकी फोटोग्राफ्स आपके पर्सनल डिटेल्स आपके पासवर्ड जो आप फोन पे फोन पे स्टोर करते हैं और आपकी चैट आपकी ईमेल मतलब आपका सारी डिटेल्स सारा डेटा किसी के हाथ लग जाता है तो कभी भी तभी भी किसी लिंक अनोन लिंक पे मत क्लिक कीजिए कम से कम वीडियोस पे क्लिक कीजिए जो वीडियोस आपके नोन सोर्स से आते हैं उस पे क्लिक कीजिए क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में ऐसे वो ऊपर तो वीडियो दिखते हैं लेकिन वो उसमें मलिशियस लिंक होता है मॉलवेयर होता है तो जैसे आजकल तो फॉरवर्ड का जमाना है हर कोई फॉरवर्ड करता है तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि प्लीज ना तो बिना सोचे समझे कुछ फॉरवर्ड कीजिए और ना आप बेकार के इधर उधर के जो ज्ञानी वीडियो आते हैं या कुछ आते हैं या मस्ती के वीडियो आते हैं वो खोलिए क्योंकि तो आपको नहीं पता चलेगा अगर आपने 50 वीडियो खोले उसमें एक वीडियो भी ऐसा निकला जो जिसमें मिलिशियर सॉफ्टवेयर या मॉलवेयर होगा तो आपका फोन बिल्कुल हैक हो जाएगा थोड़े से मजे के लिए अपने को रिस्क में मत लगाइए फिर से इधर ये बोलूंगी जो आप सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनी रियल लाइफ में करते हैं आप ऑनलाइन में भी फॉलो कीजिए और कोई ज्यादा नहीं करना लेट्स से आपके घर में कोई गिफ्ट, कोई गिफ्ट आता है कि आपके लिए गिफ्ट है किसने भेजा है फलानी uh, कंपनी ने भेजा या किसी ने भेजा आपके पास एक गिफ्ट आया है आप वो गिफ्ट खोलेंगे आपको तो लगेगा पता नहीं इसमें कुछ बॉम्ब ना हो इसमें कुछ गलत ना हो आप वो गिफ्ट नहीं खोलेंगे लेकिन ऑनलाइन जाके हम लोग वो लिंक जरूर क्लिक करेंगे कि हमें भाई दो चॉकलेट फ्री मिल रही है तो अभी जितना भी है अभी ये ध्यान रखिए कि वीडियोस अननेसेसरी मत खोलिए मत फॉरवर्ड कीजिए लिंक्स तो कभी नहीं और ये वेलिंग का मतलब है कि जब बड़ी बड़ी मछलियों को झांसे में लिया जाता है हम तो छोटी छोटी मछलियां हैं तो इसलिए हमारा तो फिशिंग और स्मिशिंग से काम हो जाता है सो तो जैसे एम्स में हुआ था वो वेलिंग ही वेलिंग टाइप ही हुआ था कि बहुत बड़ी मछली जाल में आ गई थी और अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो प्लीज जाके पढ़िए एक और आया था कि पिछले हफ्ते दिल्ली में एक बिजनेसमैन से नॉट बिजनेसमैन समी फ्रॉम सिक्योरिटी फील उससे पचास लाख रुपए ले लिए थे तो हैकर्स ने क्या करा पहले तो उसका बैंक अकाउंट हैक करा और फिर उसका फोन हैक करा और बैंक अकाउंट में अपने अपना वो आर ये जो एनई में अपना नाम जोड़ लिया उसको कुछ पता ही नहीं है उसके बाद फोन हैक करा जब वो पैसे ट्रांसफर करने लगे ओटीपी आया तो फोन हैक था O OTP ले लिया पचास लाख इन फाइव मिनट जेंटल होता है एजुकेशन सिस्टम के साथ बहुत होता है कि लेट uh, से किसी ने गलत लिंक uh, 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 कोई एडमिनिस्ट्रेटर है स्कूल का या किसी ने गलत लिंक पे क्लिक कर लिया जिसके पास एक्सेस है स्कूल डेटा का तो उसने वो क्या करते हैं हैकर सारा डेटा चेंज कर देते हैं उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद वो स्कूल वो उसको एक्सेस ही नहीं कर सकता बिकॉज डेटा उन्होंने हैक कर लिया है और उसका पासवर्ड चेंज कर लिया तो उसके लिए वो पैसे मांगते हैं तो ये ये बहुत सारे इंसिडेंट्स स्पेशली विद स्कूल्स हुए हैं स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स सो वही बोला प्रोटेक्ट पर्सनल डिटेल्स फोटोग्राफ यूज करते हैं तो नेम्स वगैरह ब्लर कीजिए थर्ड पार्टी ऐप मत यूज करिए uh, जैसे फेसबुक यूज कर रहे हैं तो वो बोलेगा कि uh, तुम uh, वो वो बोलेगा एक सर्वे uh, uh, दैट फेसबुक के कितने सारे सर्वे आते रहते हैं कि आप uh, uh, जब आप सत्तर साल के होंगे तो आप कैसे लगेंगे अस्सी साल के होंगे तो कैसे लगेंगे तो आप अपनी फोटो में भेज देते हैं उसमें कि मैं कैसे लगूंगा अरे आपकी फोटोज तो वो पर्टिकुलर ऐप ले रहा है ना और ये फेसबुक ने नहीं पोस्ट करे ये तो पर्टिकुलर जो भी एक एक, एक किसी ने अकाउंट बनाया है किसी ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी ने फेसबुक पे और वो आपके डिटेल्स ले रहा है तो फेसबुक पे जो सर्वे आते हैं कि ये सर्वे लीजिए नो हाउ कंपेशनेट यू आर नो हाउ इंटेलिजेंट यू आर इसमें क्या होता है सारी डिटेल्स लेते हैं वो आपसे क्वेश्चन पे ये नो येस नो कर दो आपकी सारी प्रेफरेंसेज ले लेते हैं आपका डेटा वो ले लेते हैं और एंड में आपको एक अच्छा सा मैसेज देते हैं मैंने आज तक नहीं देखा कि ऐसा कोई सर्वे में किसी के पास गलत आया हो वो अच्छा अच्छा ही बताते हैं ना कि भाई बहुत सारे लोग इसको ट्राई करते रहे तो ये तो, सावधानियां बरते कुछ भी फ्री नहीं है कुछ भी ऑनलाइन में कुछ भी फ्री नहीं है और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें भी वायरस हो सकता है देखिए किसी ने लेट से, एक सॉफ्टवेयर खरीदा ओके okay, वो सॉफ्टवेयर खरीद के उसको वो पायरेट करके दस लोगों को भेज रहे हैं और उसमें क्या है कि जब आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में डालेंगे और उसकी ई फाइल रन करेगी तो वो तो वो मिलिशियस लिंक मॉलवेयर भी रन करेगा और वो सारा डेटा ले दे लेगा तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करें करिए एंटीवायरस जो है आपका एंटीवायरस जरूर डालिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बाकी चीजों पे तो इतना पैसा खर्चेंगे हम लोग एक फैमिली डिनर में के लिए जाते हैं तो सौ दो हजार ढाई हजार रुपए खर्च कर लेते हैं लेकिन हम वही 1500 सौ दो हजार रुपए एक एंटीवायरस के लिए नहीं खर्च करते जो पूरे साल हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा तो अब आप थोड़ा सा इस बारे में सोचिए रिफ्लेक्ट कीजिए कि कहाँ हमें ज्यादा ध्यान देना है कहाँ पैसे खर्च करने हैं कहाँ नहीं करने कहाँ हमें अपना डेटा शेयर करना है कहाँ नहीं करना है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो मैं थोड़ा सा जल्दी जा रही हूँ मैंने स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में बता दिया हम रियल लाइफ में स्ट्रेंजर डेंजर की बात करते हैं ऑनलाइन में हम अपने बच्चों को इस बारे में नहीं समझाते हैं इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज की बात कर रही है इन्फ्लुएंसिंग ग्रूमिंग की बात कर रही है और ब्लैकमेलिंग की भी बात कर रही है ये दोबारा से ऑनलाइन प्रिडेट इसलिए डाला है प्लीज समझिए कि ऑनलाइन में जो है वो नहीं है जो दिखता है वो नहीं वो नहीं होता बहुत बार सो so, कोई अपने आप को रोशन के जैसे स्मार्ट पोस्ट करता है पता नहीं वो उसके पीछे पिक्चर के पीछे क्या है उसने तो किसी की पिक्चर किसी का फोन हैक करके उसकी पिक्चर लेके डाल दी है तो so, जो दिखता है वो नहीं होता है तो प्लीज बिलीव मत कीजिए एंड छोटे बच्चों को थोड़ा सा सेव करने के लिए देर इज समथिंग कॉल्ड एज पेरेंटल कंट्रोल्स जैसे कंप्यूटर uh, लैब uh, में बच्चे इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं लर्न करने के लिए या घर में आपके बच्चे इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं तो बड़े सारे प, प, पे, पेरेंटल कंट्रोल एप्स आते हैं नेट नैनी या कुछ तो फिर से सोच समझ के ऐप डाउनलोड कीजिए वो चार पॉइंट जो मैंने बोले थे वो दिमाग में रखिए और पेरेंटल कंट्रोल ऐप डाउन कर लीजिए उससे क्या होता है कि कि आप उसमें फिल्टर्स डाल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ड से इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से इस टाइप की फोटोग्राफ्स डाउनलोड होनी चाहिए क्योंकि तो बच्चा जैसे कि कुछ सेक्स की तरफ कोई फोटोग्राफ कोई वीडियो है अब बच्चा तो ढूंढ रहा है उसको पता ही नहीं उसमें इन कुछ होगा उसने डाउनलोड कर दिया तो अगर आप पेरेंटल कंट्रोल डाउनलोड अपना ऐप लेंगे तो वो सब ब्लॉक हो जाएंगे जो इन अप्रोप्रियट पिक्चर्स इन अप्रोप्रियट वर्ड्स वगैरह होते हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे द इज लिमिट एक्सेस टू वेबसाइट अभी जैसे uh, हम बच्चों को बजाते बोलते हैं कि YouTube में ये वीडियो देख लो ये बहुत अच्छा है ये डाइजेस्टिव प्रोसेस सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है तो हमें अगर वो फोर्थ फिफ्थ सिक्स का बच्चा है तो हमें उसको YouTube फॉर चिल्ड्रेन उस उसमें भेजना चाहिए जनरली जनरल यूट्यूब में नहीं भेजना चाहिए यूट्यूब में तो बहुत ही गलत तरह के वीडियो भी हैं अच्छे बहुत हैं पर गलत तरह के भी हैं यूज कॉन्टेंट फिल्टर्स इज समथिंग जो आपके वर्ड्स को इन अप्रोप्रिएट पिक्चर्स और वर्ड्स को वो कर देता है और पेरेंटल कंट्रोल में जो ऊपर जाऊंगी मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगी कि इसमें आप लिमिट भी कर सकते हैं कि आपका बच्चा इंटरनेट कौन सी साइट पे जाए और कितनी देर यूज करे आप स्क्रीन टाइम वगैरह भी सेट कर सकते हैं देन कहीं भी एज अ टीचर हाइड फेसिज एंड नेम्स लेट से आपके स्कूल में एक्टिविटीज हुई हैं तो आप इंटरनेट पे डालना चाहते हैं क्योंकि ये अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है सबको बताने के लिए अच्छी विजिबिलिटी है तो डालिए लेकिन बच्चे का फ्रंट फेसिंग ऐसे मत डालिए या तो बच्चे का ऐसे हटा हुआ साइड पोस्ट डालिए या फिर उसको फेस को ब्लर कर दीजिए और एकदम बच्चे का फेस और नाम डालने से हम बच्चे की प्राइवेसी को खतरे में डाल रहे हैं हम वैसे तो अपनी रियल लाइफ में बच्चे का इतनी सेफ्टी करते हैं ऑनलाइन में हम इसके बारे में सोचते नहीं है तो कहते हैं ना कि बहुत बहुत जो रिस्पॉन्सिबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या करते हैं या फिर वो लॉन्ग शॉट डालते हैं या फिर वो बच्चे का फेस ब्लर कर देते हैं या फिर वो साइड या बैक पोस्ट करते हैं और प्लीज नाम कभी डालिए क्योंकि फिर हम बच्चे को डेंजर्स में एक्सपोज कर रहे हैं और हाइजीनिक डिजिटल हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम अपनी रियल लाइफ में इतनी हाइजीन बरतते हैं लेकिन ऑनलाइन इंटरनेट यूज करते हुए डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हुए हम हाइजीन नहीं बरतते एक छोटी सी बात है आप और आपके बच्चे सेम डिवाइस यूज कर रहे हैं चाहे वो लैपटॉप है डेस्कटॉप है फोन है अब एज एन एडल्ट आपने कुछ ब्राउज़ करा होगा कभी, तो जब बच्चा उस जाएगा तो बच्चे को उसी के एड्स दिखेंगे ओके एज एन एडल्ट तो हम कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी कभी भी ऐसे ब्राउज कर लिया होगा इनरेस्पॉन्सिबली पर आप ये नहीं सोचते कि वो जो आपने ब्राउज करा उसके जो अंश उसके जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो बच्चे के पास आएंगे। तो हाइजीन ये है कि अगर आपने कुछ ऐसा करा है तो आप अपनी हिस्ट्री डिलीट कीजिए और मेक श्योर sure जो डिवाइस बच्चे यूज कर रहे हैं वो उसमें आप ये सब ना करें हाइजीनिक में और भी बहुत चीजें आती हैं कि आप अपने सिस्टम को क्लीन रखिए डेस्कटॉप क्लटर मत कीजिए एंटीवायरस डालिए कंटिन्यूसली अपडेटेड सॉफ्टवेयर डालिए और स्पेशली uh, ये यूज होता है इन द कंप्यूटर लैब लेट्स से कि क्लास इलेवेन्थ ट्वेल्थ के बच्चे हैं उनको इंटरनेट एक्सेस था उन्होंने डाउनलोड करके कुछ अनाप शनाप डेस्कटॉप पे डाल दिया फिर क्लास थ्री का बच्चा आता है फोर का बच्चा आता है वो भी सेम यूज़ करता है तो वो तो जाके खोलेगा उसे वो गलत वीडियो जो डेस्कटॉप पे होगा वो दिख जाएगा तो कंप्यूटर टीचर के लिए ये हाइजीनिक हैबिट्स फॉलो करना भी बहुत बहुत जरूरी है ठीक है तो नाउ मूविंग ऑन स्कूल क्या कर सकते हैं तो जैसे मैंने बताया कि हम अपने बच्चों को अपनी उनकी रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग उनको राइट फ्रॉम रॉन्ग बताते हैं ना कि ये ये गलत है ये ठीक है तो हम उनको सिटीजनशिप सिखाते हैं कि भाई एज अ गुड सिटीजन आपको क्या करना चाहिए टू रिमेन सेफ आपको क्या करना चाहिए आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द सोसाइटी क्या है उसी तरीके से डिजिटल सिटीजनशिप भी हमें बात करनी है हम सिविक्स की बात करते हैं हमें साइबर सिविक्स की भी बात करनी है और ये मॉड्यूल्स अब आप फिर से अगर आप सीआईटी की वेबसाइट पे जाएंगे और काफी काफी ऑर्गेनाइजेशंस आपको हेल्प कर देंगे ये मॉड्यूल्स डेवलप करने में ऑनलाइन भी काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये जो ये फ्री मॉड्यूल्स दे रही है और आप क्योंकि उनको ये फाउंड found, कुछ फाउंडेशन है जिनको लगता है कि स्कूल कुछ गलत ना करें अगर वो रिप्यूटेड फाउंडेशन है तो उसके मॉड्यूल्स चेक कीजिए और ये मॉड्यूल्स इंक्लूड ये ये जो लर्निंग मटेरियल इंक्लूड कर दीजिए हफ्ते में एक बार बच्चों के साथ थर्टी मिनट्स की क्लास जरूर कीजिए ऑन गुड डिजिटल सिटीजनशिप कि भी अपने आप को सेफ और रिस्पांसिबल ऑनलाइन में कैसे रखें द अदर इज कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स एंड ऑफिस स्टाफ क्योंकि बहुत हम लोग को कुछ इतना जैसे मैंने बोला कि हम लोग तो इमिग्रेंट्स हैं हम लोग को इतना पता नहीं चलता और दूसरे कुछ लोग हम लोग थोड़े से कुछ साल पीछे हैं जहां पर एक दूसरे के साथ ट्रस्ट था हम लोग सोच नहीं सकते थे कि इस टाइप के स्कैंडल्स भी हो सकते हैं लेकिन इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टीचर्स और ऑफिस स्टाफ का कैपेसिटी बिल्डिंग रेगुलरली करें और स्टूडेंट्स का तो करना ही करना है स्टूडेंट्स को तो डिजिटल सिटीजनशिप मॉड्यूल्स आपको जैसे मैंने बोला की एक घंटे का आधे घंटे का सेशन एक हफ्ते में जरूर रखिए और ये नहीं है कि एक बार आपने कैपेसिटी बिल्डिंग कर दी तो तीन साल वो चली नहीं जना तीन साल नहीं चलेगी क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है रैनसम वेयर तीन साल पहले तो बहुत कम सुना जाता था अब रैनसम वेयर इतना ज्यादा सुना जाता है तो ये जो है टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो वो डेंजर्स भी चेंज होते हैं तो हर साल कोशिश कीजिए कि अपने टीचर्स और ऑफिस स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कीजिए रेगुलरली एक कुछ क्लब्स बना सकते हैं जैसे साइबर सेफ जैसे वो कार्पेंट्री क्लब ड्रामेटिक्स क्लब सो मेनी क्लब्स होता है एक साइबर सेफ्टी का क्लब बना दीजिए जिसमें एक कंप्यूटर टीचर को रिस्पॉन्सिबल कर दीजिए दो तीन स्टूडेंट्स सीनियर स्टूडेंट्स हो उनको आप कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भेज दीजिए और वो बाकी स्कूल को हेल्प करते रहेंगे सो कंप्यूटर टीचर टू रन टेस्ट ऑन ऑल मशीन बताया था इम्पोर्टेंट है तो स्कूल काउंसिलर प्ले अ वेरी गुड रोल यू नो इट बेटर देन मी लेकिन अभी अभी जो इश्यूज़ हैं वो ऑनलाइन स्पेस में बहुत होते हैं जैसे मैंने बुलिंग ट्रॉलिंग के बारे में बताया ब्लैकमेल हो रहा है बच्चा ओवर यूज हो रहा है इंटरनेट का ओके okay, और uh, uh, मैं देख रही हूँ एक जनाब मैं बोल रही हूँ बड़े इंटरेस्टिंग जनाब है नाम नहीं लूंगी वो फिल्टर्स लगा लगा के गॉगल्स वॉगल्स लगा के अपने आप को एंजॉय भी कर रहे हैं साथ में चलो ठीक है फिर मेरा सेशन एंजॉयबल भी हो गया सर आपके लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कहते हैं ना बच्चे तो बच्चे बाप रे बाप वाली <laughs> बात हो गई कि बच्चों का अटेंशन मुश्किल हो जाता है और ये तो एडल्ट भी वो नए नए गॉगल्स लगा के एंजॉय कर रहे हैं चलो सर इंजॉय कीजिए और देखिए कहते हैं ना कि वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर जब मैं इलेवेंथ uh, ट्वेल्थ के बच्चों को पढ़ाती थी तो uh, 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 मैं जब बोर्ड पे कुछ लिखती थी मैं उनको बोलती थी देखो टीचर की तो सिर के पीछे भी आंखें होती हैं और टीचर के कान लास्ट बेंच तक होते हैं होते हैं कि नहीं आप लोग मेरे से अग्री करेंगे कि नहीं एज अ टीचर हम कितने सतर्क होते हैं कि नहीं हमें एक ग्लॉन्स से पता चल जाता है कौन सा बच्चा क्या कर रहा है कौन सा बच्चा दूसरे के ऊपर चौक फेंक रहा है या क्या चीट कर रहा है या क्या कर रहा है तो कहते हैं ना कि Once a teacher, always a teacher. और से ज्यादा सतर्क इंसान पुलिस के बाद कोई नहीं होता चलिए ये ये दीज आर स्मॉल थिंग्स देन इन्वॉल्व पेरेंट्स देम इन द डिस्कशंस पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम अपने बच्चों को कितना भी सिखा लें लेकिन Uh, बच्चे अगर घर में कुछ गलत काम कर रहे हैं पेरेंट्स को नहीं पता चलता तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है क्योंकि हम वी वॉन्ट अ चिल्ड्रेन टू डू वेल देन मैंने पहले जैसे बोला था स्कूल साइबर सेफ्टी क्लब्स फॉर्म कर दीजिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज से शुरू कीजिए एंड यू विल नो द डिफरेंस अभी uh, uh, मेरे पास खाली पांच मिनट है तो मैं चाहती हूँ कि ये असाइनमेंट आप आपके आपके पास बहुत सारे असाइनमेंट होंगे आपको बहुत सारे प्रिपेयर करने होंगे वगैरह लेकिन ये करना मत भूलिए घर जाके अगर ऑफिस में अगर, अगर अपने इंस्टीट्यूशन में है तो घर जाके नहीं तो घर पे हैं तो रात के टाइम सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए अपनी प्राइवेसी सेटिंग चेक कीजिए और सारी प्राइवेसी सेटिंग्स को प्राइवेट बनाइए अपने बाद अपने घर में ब्रदर सिस्टर्स वाइफ हस्बैंड बच्चों सबका करिए अगर आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स प्राइवेट कर देंगे तो थोड़ा सा खतरा कम हो जाता है थोड़ा सा इंटरनेट में खतरे हैं इंटरनेट की कुछ चीजें इंटरनेट में खतरे बहुत हैं। अब उन खतरों को आप डील करेंगे वो आपके ऊपर है दुनिया में भी खतरे हैं सड़क पे गाड़ी चलाते हुए हैं तो भी खतरे हैं अब ये थोड़ी है हम गाड़ी चलाना बंद कर देंगे बंद कर देंगे बिल्कुल नहीं लेकिन हम सतर्क होकर गाड़ी चलाएंगे हम अपने बच्चों को खेलने भेजेंगे लेकिन उनको बोलेंगे रात से पहले घर आ जाइए तो सिमिलरली वो सब हमें ऑनलाइन भी वो, वो वो ही वैसे ही केयरफुल रहना पड़ता है तो अपनी प्रिवेसी सेटिंग चेक कीजिए अपने बच्चों की कीजिए और उनको प्राइवेट बनाइए और दूसरा है आपने बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करे होंगे मैं क्योंकि आजकल जहां जाओ वो बोलते हैं हमारा ऐप डाउनलोड करो क्योंकि फोन कॉल्स कोई अटेंड नहीं करना चाहता तो आप अपने जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करे हैं उनको रिव्यू कीजिए कि वो एप्लीकेशन आपका क्या क्या डिटेल ले रही है क्योंकि अगर मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर मैंने एलजेब्रा की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी है तो मैं इतनी एक्साइट हो गई हूँ कि भाई इससे तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन पेपर बनाने भी आसान हो जाएंगे और क्योंकि मेरी एक फ्रेंड यूज कर रही है लेकिन वो एप्लीकेशन आपके फोन से क्या क्या ले रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप बताइए कि सब्जेक्ट वाली कोई एप्लीकेशन लर्निंग वाली होगी उसको आपकी गैलरी से क्या मतलब उसको आपके कॉन्टेक्ट से क्या मतलब कोई मतलब नहीं है ना लेकिन ये एप्लीकेशन आपकी ये सब चीजें लेती हैं और आप उसको नो नो कर सकते हैं जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जो बॉक्स में जिसमें एस्ट्रिक होता है वो इंफॉर्मेशन जो है चाहिए होती है दैट इज असेंशियल और जहां पर जिस बॉक्स में एस्ट्रिक नहीं होता है वो डिजायरेबल इंफॉर्मेशन होती है तो ये आपका थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ There are different ways to actually spread awareness. एक तो अवेयर एक अवेयर होती है कि हम अब बच्चों को खुद करने को बोले इंसान को खुद करने को बोले तो वो बेटर अवेयरनेस होती है क्योंकि वो पर्मानेंट होती है एनसीआरटी और साइबर पीस फाउंडेशन ने एक ऑनलाइन कॉम्पिटिशन लॉन्च करा है जिसका नाम है ई रक्षा कॉम्पिटिशन ना इसका नाम ई रक्षा क्यों है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में आपको रक्षा प्रदान करता है ये कैसे इस आपकी रक्षा करता है इस इस कंपटीशन में जो पार्ट लेता है वो उसको सोचना पड़ता है कि ऑनलाइन हमारा जो टॉपिक है वो ये है सेफर रिस्पॉन्सिबल एंड पीसफुल यूज ऑफ इंटरनेट तो सेफर रिस्पॉन्सिबल और पीसफुल यूज ऑफ इंटरनेट पे हम इनकरेज करते हैं बच्चों को कि आप इसके ऊपर कोई आर्टवर्क बनाइए कोई वीडियो बनाइए कोई एसे लिखिए कुछ इंटरव्यू कीजिए तो क्या होता है बच्चा से कि बच्चे को एक पोयम लिखनी है इंटरनेट सेफ्टी के ऊपर उसके लिए अब ये, अब बच्चा क्या करेगा कि वो बहुत सारा रिसर्च करेगा जब बच्चा रिसर्च करेगा बच्चा तो उसके जहन में भी तो काफी कुछ ल, न, सीखने को जाएगा ना तो वो बनाते बनाते ही सीख जाएगा और लेट्स से कि कोई बच्चा साइबर बुलिंग या ट्रोलिंग के लिए या स्ट्रेंजर डेंजर के लिए कुछ बना रहा है तो वो बच्चा जब स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में उसके चार खतरे बताएगा तो वो उसके जहन में इंटीग्रेट हो जाएंगे और वो आगे स्ट्रेंजर्स के साथ कनेक्ट नहीं करेगा दिस इज लर्निंग बाय डूइंग एंड इसमें दिस इज एक्चुअली फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वेयर वी आर एक्चुअली इनकरेजिंग द चिल्ड्रन टू यूज देर क्रिएटिविटी एंड सीरियस टॉपिक लाइक साइबर सेफ्टी इस कंपटीशन में क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं टीचर्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं

रक्षा डॉट नेट मैं इसके डिटेल्स आपके एस आर जी ग्रुप में भी डाल दूंगी प्लीज उसमें से चेक कर लीजिए ओके और ये इस कॉम्पिटिशन में आप अपने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराइए ये जो ई रक्षा कॉम्पिटिशन है ये ट्वेंटी नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था और हमें ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी वन में हमारे सारी स्टेट से एंट्रीज आई हैं हर साल हमने तीस पैंतीस अवार्ड दिए हैं एनसीआरटी से टोटल सपोर्ट है इन 2019 हमारा जो कंपटीशन हुआ था वो एनसीआरटी के कैंपस में ही हुआ था और 2019 और 2020 में 2021 में कोविड कोविड आ गया था तो हमारा ऑनलाइन हो गया था ये और हर साल हम 30-35 बच्चों को अवॉर्ड करते हैं इस साल हम 2023 में जब इसका अवार्ड होगा हम बच्चों को दिल्ली बुलाएंगे और इसका कोई चार्ज नहीं है बस बस क्या है कि जो पार्टिसिपेंट है चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो उन्हें ई डब्ल्यू पे जाना है या फिर ये जो क्यू कोड है उस पर अपना उस, उससे रजिस्टर करना है और उसमें रजिस्टर करके जो उन्होंने अपनी आर्टकेट वगैरह लेट से उन्होंने एक ड्राइंग बनाई है तो वो ड्राइंग की फोटो लेके उन्हें उसको अपलोड करनी है एज सिंपल एज दैट तो प्लीज इनकरेज योर स्टूडेंट्स योर टीचर्स टू पार्टिसिपेट इन दिस इट इज लर्निंग बाय डूइंग एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खाली पढ़ना आजकल के जमाने में आ, पढ़ना तो इम्पॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स लाना भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आपको इस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे सेफ और स्मार्ट रहना है वो इम्पोर्टेंट है सो आई हैव कम टू द एंड ऑफ माय सेशन एंड हमारा हेल्पलाइन नंबर है नाइन फाइव सेवन जीरो 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 सिक्स सिक्स और नहीं आप हमें मेल भी कर सकते हैं ये डिटेल्स मैं चैट में भी शेयर करूंगी। दैट एंड्स माय सेशन मिस मोनिका। आई टेक क्विक क्वेश्चंस फॉर टू थ्री मिनट्स इफ आई कैन। या मैम वी कैन टेक टू थ्री क्वेश्चंस। हां जी मोनिका मैम यू आर ऑन स्क्रीन। यस मैम आई एम हियर ओनली एनी क्वेश्चंस सुमन uh, कुमार पारीख जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए मैम मैं ये पूछना चाह रहा था uh, मैम नमस्ते नमस्ते जी हाँ मैम मैं ये पूछ रहा था कि सिम जो होती है उसको उसका भी क्लोन बन जाता है ना आजकल तो बिल्कुल बिल्कुल सिम का क्लोन बनता है और आ, आ, सिम ये जो 50 लाख का फ्रॉड हुआ था दिल्ली में वो सिम का क्लोन बनके ही हुआ था तो, तो इसके हाँ इसके लिए आप और मैं हाँ, हाँ, पुछी, पुछी, पुछी। आप वो, आप पूछिए 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 प्लीज वही आप वही बता रहे मैम एक्चुअली ये बहुत खतरनाक है इससे कैसे बचें इससे तो ये है कि अभी जो स्पेशली इस फ्रॉड के बाद जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो और भी सतर्क हो गए हैं और इसमें क्या होता है कि लोग अपने फेक डॉक्यूमेंट्स कोई जो आपका आपकी जिसने आपकी आइडेंटिटी चुरा ली है उसने आपके डॉक्यूमेंट्स भी चुरा के और वो फेक सिम बनवा लेता है तो तभी मैं बोलती हूँ कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपनी आइडेंटिटी है आईदेंटी है, उसको सेफ रखिए आजकल तो गवर्नमेंट ने वो आधार कार्ड का भी बता दिया है कि आप फर्स्ट फ्यू डिजिट्स पे ब्लैक कर सकते हैं क्योंकि आधार कार्ड हैकिंग मतलब क्लोनिंग बहुत ज्यादा हो रही थी तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रही है इस मामले में तो मैम जो ये ये जो

थैंक यू मैम मैम आपने अभी बात की है uh, बच्चों के लिए कुछ फिल्टर्स लगाने के लिए तो कैन यू शेयर सम सम फिल्टर्स नेम सॉफ्टवेयर मैं ऐसे करूंगी की uh, मैं प्रॉपर यूआरएल के साथ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी मोनिका uh, जी ने मुझे ग्रुप का पार्ट बना दिया आपके व्हाट्सएप ग्रुप का उसमें मैं फिल्टर्स की चार पांच फिल्टर्स की यूआरएल शेयर कर दूंगी राइट यूआरएल ठीक है आ, पाल जी आप अपना सवाल प्लीज पूछे मैम गुड आफ्टरनून मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ये मोबाइल्स पे आ, बहुत सारे गेम्स और ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो इसमें जो है अपने साइबर जो रिस्क है उससे कैसे बचा जा सकता है देखिए जो बच्चे गेम्स तो खेलेंगे है ना क्योंकि देखो कोविड के टाइम में तो बच्चे बाहर नहीं जाते थे तो वो उस पर ही खेलते थे अब बच्चों को आदत पड़ गई है तो ये एज अ पेरेंट जब बच्चा कोई गेम डाउनलोड करना चाहता है तो आपको ये गेम भी तो एक एप्लीकेशन है ना तो आपको उसको देखना चाहिए ठीक है आपको ये गेम डाउनलोड करना है एकदम मना मत कीजिए कि भाई भैया आपको एक गेम डाउनलोड करना है ठीक है तो हम ऐसे देखते हैं कि ये गेम अप्रोप्रिएट है आपके लिए अच्छा है या नहीं है अगर ये गेम ठीक है तो आप कर लीजिए तो आप जब गेम डाउनलोड करेंगे बच्चे के लिए तो बच्चे के साथ बिठाइए उसको बोलिए कि ये चार पैरामीटर हैं रिव्यू रेटिंग नंबर ऑफ यूजर्स क्रेडिबिलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म जो मैंने पहले बताया था अगर ये चार पैरामीटर्स पे ये खरा उतरता है तो आप डाउनलोड कर लीजिए और अगर नहीं उतरता तो हम नहीं करेंगे तो ये पहले से बच्चे के साथ डिस्कस कर लीजिए और जो आप देखेंगे आप बच्चे के साथ एक वन ऑन वन एज एन एडल्ट डिस्कस करेंगे तो बच्चा कभी भी आपको फिर क्वेश्चन नहीं करेगा वो जिद नहीं करेगा क्योंकि आपने गेम डाउनलोड करने तो सब मना नहीं करा ना पर आपने उसको शिक्षा दे दी कि सतर्क कैसे रहते हैं ऑनलाइन वीडियो से ऑनलाइन वीडियो जो देखते हैं उससे उसमें भी तो रिस्क हो सकता है बिल्कुल रिस्क है और ज, ज, जैसे मैंने बोला कि ऑनलाइन वीडियो एक तो ऑनलाइन uh, वीडियो में आपका uh, जो रिस्क हो सकता है वो कंटेंट इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज उसका रिस्क हो सकता है ऑनलाइन वीडियो में और दूसरा है मैंने जैसे बोला था कि वो वीडियो में ना लेयर्स होती है और एक लेयर इसकी भी हो सकती है जिसमें वो मिलिशियस सॉफ्टवेयर हो तो ऑनलाइन वीडियोस तो आप कोशिश कीजिए बच्चे ना देखें और अगर देखना भी है कोई उनको अगर एजुकेशनल वीडियो भी देखना है तो आप कह सकते हैं कि चलो इकट्ठा बैठ के देखते हैं आप उसको एक बार चेक कर लो अगर आपको ठीक लगता है तो बच्चे को अलाउ कीजिए और अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसको व्हाट्सएप ये जो यूट्यूब फॉर किड्स में लेके जाएंगे थैंक यू ओके लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ मैं सो so, अभी शीतल मैम को मैं बोलूंगी कि अपना वो क्वेश्चन ले ले थैंक यू मैम मैम मेरे दो क्वेश्चंस हैं एक तो गेमिंग से रिगार्डिंग ये है कि मेरे बेटे को आदत है वो ऑनलाइन गेमिंग करता है मैंने उसे पेरेंटल एक्सेस लिया हुआ था तो मैंने उसकी सभी एप्स को कंट्रोल किया हुआ था कि इतनी देर चलेगी ये ये ऐप इतनी देर चलेगी तो पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में था पहले अभी उसने तो उसकी मशीनरी तक ओपन कर दिया और वो ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है उसका फ्रेंड दिल्ली में है और वो यहाँ पे है मतलब उसके फादर की ट्रांस हो गई है तो अब मुझे उसमें भी टेंशन है कि क्या उस ऑनलाइन गेमिंग में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है उससे कैसे सेव करे बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग मतलब... तो बहुत डेंजरस है मैं इसलिए बताती हूँ क्यों डेंजरस है क्योंकि जब एक ऑनलाइन गेमिंग है तो ये कुछ लोगो इकट्ठे होते हैं अगर उस ऑनलाइन गेमिंग में खाली आप और उसका फ्रेंड है थर्ड पर्सन नहीं है तो फिर इतनी खतरे की बात नहीं है एडिक्शन की है पर खतरे की नहीं है पर अगर हमें जो ऑनलाइन गेमिंग सबसे ज्यादा जो हैकिंग परेशानियां ब्लैकमेलिंग प्रिडेटर्स जो होते हैं वो ऑनलाइन गेमिंग साइट्स में होते हैं क्योंकि और कौन है आपको नहीं पता फिर से मैं दोहराऊंगी जो इंटरनेट पे दिखता है वो नहीं वो, वो सच हमेशा नहीं होता है तो लेट से कोई एडल्ट पंद्रह साल का बनके उस ऑनलाइन गेमिंग में आ गया अपनी उम्र पंद्रह साल करके और वो एडल्ट आया तो प्रिडेटर are, very, very हाँ आजकल बच्चे सुनते नहीं है प्रिय प्रेशर भी होता है बच्चे एग्रेसिव भी हो जाते हैं तो आपको उसके लिए अगर बहुत ज्यादा रो रहा है तो काउंसलिंग की जरूरत है और अगर लगता है आपको मैनेज कर लेंगे तो बच्चे के साथ एक बार बैठ के बच्चे के साथ डिस्कस कीजिए ऑनलाइन जाके आप ऑनलाइन जाके उसको एक कोई रिसर्च पेपर ऐसे निकालिए बोलिए कि देखिए ये ये इतना ये के डेंजर्स हो सकते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप खेलेंगे लेकिन हम सिर्फ आपकी सेफ्टी की चिंता करते हैं बच्चे को समझाइए कि कितना चीज ये चीज हम रो रोबोटिक्स से रिलेटेड कुछ वो लोग कर रहे होते हैं उनको प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं अभी वो एट या नाइन इयर्स का ही है लेकिन एक और चीज है जैसे हमारे पास मतलब बच्चों को ही प्रोजेक्ट्स हम लोग भी देते हैं और आ, मतलब बच्चों को भी मिलते हैं प्रोजेक्ट्स और ऑनलाइन में या फिर यूट्यूब वीडियोज आते हैं कंटेंट बेस्ड तो वो सिर्फ यूट्यूब पे होते हैं मैंने यूट्यूब किड्स में ट्राई किया तो वहां ओपन नहीं होते हैं तो उसका तो कुछ तो नहीं देखिए ऐसे है कि आ, हम आ, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है जब कोविड में हम लोग अपने प्रोग्राम्स करते थे तो हम टीचर्स को बोलते थे कि बच्चे को आ, इतनी खुली छूट मत दो आठ दस साल ग्यारह साल के बच्चे को कि वो ऑनलाइन रिसर्च करें देखिए रिसर्च तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए हमें मालूम है स्पून फीडिंग हम करना नहीं चाहते अगर बच्चे को हमने कुछ लेट से एक इंग्लिश में कुछ किसी के बारे में राइट अप दिया कि महात्मा गांधी के बारे में राइटअप करो तो हम बच्चे को पकाया पका नहीं देना चाहते हम चाहते हैं बच्चा जाके रिसर्च करे और फिर इंफॉर्मेशन uh, डाउनलोड करे फिर उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखे लेकिन हमें एज ऑफ द बच्चा देखना है तो एज टीचर अगर मैं कुछ तेरह साल से कम बच्चों को ऑनलाइन रिसर्च दे रही हूँ कि भाई आपका ये प्रोजेक्ट है तो मुझे एक तो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि हम इस टाइप की रिसर्च दी है सेकेंडली टीचर को थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी छोटे बच्चों के लिए आठ साल दस साल ग्यारह साल के बच्चों के लिए वो कुछ अपने आप साइट्स जाके आइडेंटिफाई करे जो सेफ हैं जहां से रिसर्च हो सकती है पर्टिकुलर टॉपिक की तो तो वो साइट्स दे दे कि कि बच्चा रिसर्च कर ले ले और अपना पेपर खुद लिख ले। तो ये टीचर के टीचर के ऊपर है इसको कितना मेहनत इसमें करना चाहती है कितना नहीं करना चाहती जैसे व्हाट्सएप uh, पे अपने क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए मैम वहां पे है शी विल इधर रिकॉर्ड द आंसर एंड सेंड सो दैट उनको टाइप भी ज्यादा नहीं करना पड़ेगा सो uh, so मैं आप सबसे मुझे पता है ये सभी क्वेश्चन बहुत रेलिवेंट है बट टाइम थोड़ा सा आज हमारे लिए क्योंकि हम बिल्कुल टुअर्ड्स द एंड है सो so मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग अपने क्वेश्चन जरूर पोस्ट करें मैम को टैग कर दीजिए सो देट मैम कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन गेट्स benefited, everybody gets benefited by the answers which are there in the group. I'm really I very sorry. A very good suggestion, uh, uh, Miss Monica. aap log koi bhi question पूछते hain aap log tag kijiye Next कुछ दिनों be तक be मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ. और मैं जो question answer वही मैं either मैं अपना audio record करके या type करके आपके questions answer करूँगी. तो you can remain connected. टली so uh, uh, <laughs> yes, so, so मतलब, इतनी देर सुना और इतने सारे क्वेश्चन के साथ आप लोग आए विच इट सेल्फ इज एन इंडिकेशन की आप लोग कितना सुन रहे थे और कितना यूजफुल ये सेशन है हमारे सारे क्वेश्चन आंसर होंगे एक थ्रू द व्हाट्सएप बी हमने CIT की वेबसाइट पे कल आपको बताया था जहाँ हमने गाइडलाइंस uh, वाला डॉक्यूमेंट देखा था वहीं पे साइबर uh, सेफ्टी के बहुत सारे हमारे ब्रॉशर्स हैं जो रिसोर्सिस में अवेलेबल है आप उनको एक्सेस कर सकते हैं प्लस जितने सेशन हमारे साइबर सेफ्टी के हो रहे हैं वो भी एनसीआरटी ऑफिशियल पे भी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे आप उनमें से कुछ कुछ सुन सकते हैं जिससे आपको काफी बेनिफिट भी होगा तो दीज वर्ड्स मैम Thank you very very much for this wonderful uh, and very informative थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन थैंक यू योर वेलकम आगे से मुझे पूरा टाइम देना क्योंकि uh, मैं मेरे को फिर बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है और बहुत information मेरी रह जाती है देने के लिए <laughs> नहीं मैम आज वैसे पूरा ही हो गया ऑलमोस्ट अब एक आध दो मिनट का ही डिफरेंस रहा आज तो हमने पूरा खरी लिया इसीलिए टाइम पे स्टार्ट किया था दैट यू डोंट मिस आउट फॉर टाइम सो आज थोड़ा सा बहुत अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्ट ऑफ द मेंबर्स को देखना हमें पड़ता ही है सो दिस मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस हियर मैम थैंक यू ओके थैंक यू